एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमी क्रिएटिविटी। दिस इज वर्षा। मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाईज एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग डीआईवाई लेकर आई हूँ, जिसे मैं हमेशा की तरह वेस्ट मटेरियल को यूज करके बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये डीआईवाई बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर डीआईवाई बनाने के लिए मैं इस तरह के बोर्ड को यूज कर रही हूँ। ये वो बोर्ड है जिसे बच्चे एग्जाम देने के लिए यूज करते हैं। तो आपके घर में भी अगर इस तरह का कोई बोर्ड खराब हो गया हो तो उसे फेंकने की बजाय आप इस तरह का डीआईवाई बनाने में उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम काट करके निकाल लेंगे, साथ ही ये साइड में भी जो पट्टी है इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो इन्हें कट करने के लिए आप पेपर जो कटर होता है उसे गर्म करके ही यूज कीजिएगा, चाहे आप नाइफ को गर्म करके भी इसे कट कर सकते हैं। दोनों साइड को मैंने कट करके निकाल लिया है। यहाँ पर मैं कस्टर्ड एप्पल के शीट्स को यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर किसी भी बीट्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही इन्हें अप्लाई करने के लिए मैं फेविबॉन्ड का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिफिशियल लीफ से पैटर्न बनाए हैं, जिसे हम ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन्हें फेविबॉन्ड की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने जूट रोप से 6 स्ट्रिप्स कट करके निकाल लिए है। अब हम इनसे ब्रेड बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इन्हें मास्किंग टेप से फिक्स कर लिया है, देन हम इसकी ब्रेड बना लेंगे। अब सारी जूट रोप को हम ग्लू गन से आपस में फिक्स कर लेंगे। बनाई है वो हम पीछे की साइड पर अटैच कर लेंगे।
यहाँ पर मुझे इसकी बॉर्डर थोड़ी हल्की लग रही है, इसलिए मैं एक और बार जूट रोप को अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल रोप से भी बॉर्डर को रहने दे सकते हैं। तो हमारा ये ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो चुका है। देखिए हमने दोनों ही वेस्ट मटेरियल को यूज करके कितना खूबसूरत सा वॉल डेकोर बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई बोर्ड अवेलेबल हो, और पिस्ता सेल्स तो हर घर में अवेलेबल होते ही हैं, तो आप इस तरह का डीआईवाई बनाकर अपने घर की किसी भी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का ये डीआईवाई पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये डीआईवाई पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के DIY वीडियो शेयर करूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।